आपका आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। यूसीसी के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। हिंदू सेना ने संसद मार्ग पर ये पोस्टर लगाए हैं। राजनीतिक दलों पर साधा है पोस्टर के जरिए निशाना। यूसीसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। विरोध करने वालों को बताया हिंदू विरोधी। पोस्टर में लिखा यूसीसी देश की जरूरत। यूसीसी के पोस्टर लगे हैं। यूसीसी के समर्थन में ये पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली में हिंदू सेना ने संसद मार्ग पर ये पोस्टर लगाए हैं। राजनीतिक दलों पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। यूसीसी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा गया। विरोध करने वालों को हिंदू विरोधी बताया गया है। पोस्टर में लिखा है यूसीसी देश की जरूरत। दिल्ली की बात करेंगे। भजनपुर इलाके में अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण पर अभियान जो है चलाया गया है। अभियान के दौरान मजार और मंदिर हटाया गया है। मौके पर भारी पुलिस को तैनात किया गया। सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। भजनपुरा का काम चल रहा है। लोगों के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मजार और मंदिर को हटाया गया है। मंदिर था और सड़क की दूसरी तरफ पे एक मजार था। जो हमारी रिलीजियस कमेटी है दिल्ली की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, बिकॉज सड़क चौड़ा होना है, सहारनपुर हाईवे बनना है और इसको प्लान किया था कुछ दिन पहले हम लोगों ने। और यहाँ के जो लोकल रिस्पेक्टेबल्स थे, जो लोकल लीडर्स थे, उन लोगों ने अप्रोच किया था सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, दे आज पास सम टाइम तो थोड़ा टाइम मिल जाए और हम लोग थोड़ा सा आपस में तैयारी कर लें। तो आज हम लोग ने इनके साथ सबके साथ बात करके डायलॉग प्रॉपर डायलॉग के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ आगे स्ट्रक्चर रिमूव किए हैं दोनों यहाँ से। और जैसा आप देख रहे हैं सभी लोग का सहयोग है, आप लोग का भी सहयोग है और यहाँ के जो भक्त लोग थे वो लोग भी सवेरे आए, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की शुरू करने से पहले और सब लोग का सहयोग से हुआ है। बहुत पीसफुली हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल और आधे घंटे का काम मिल रहा है। देवास के सोनकच्छ में एक मुखबधिर व्यक्ति को बांधकर मारपीट करने का मामला सामने आया। इस व्यक्ति को एक महिला खंभे से बांधकर पीट रही है। ये वीडियो इंदौर भोपाल हाईवे के बीच का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला कहती दिख रही है कि यह व्यक्ति उसे फोन लगाकर परेशान करता है। मुखबधिर यह व्यक्ति हाथ जोड़कर और कान पकड़कर मारपीट न करने की गुहार लगाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन महिला लगातार उसे पीटती रहती है। ये वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं मुखबधिर और उसके भाई को थाने लाकर पूरे मामले की जानकारी ली और अब आगे की जांच जारी है। दतिया में दो युवकों की जमकर पिटाई हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पिटाई के दौरान एक युवक भाग खड़ा हुआ। इसके बाद लोगों ने दूसरे युवक की जमकर पिटाई की। मारपीट की वजह फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। तो मारपीट हुई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा में। ये तस्वीर कैद हुई है जिसमें युवक के साथ मारपीट हो रही है। हालांकि क्या वजह रही इस बारे में अभी पता नहीं चल सका है। रीवा में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक पक्ष ने जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया। पार्षद और परिजनों पर मारपीट के आरोप हैं। ढबोरा थाना क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। जगदलपुर की बात करेंगे जहां पर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं दो गांजा तस्कर। 20 किलो गांजे के साथ ही दो गिरफ्तार हुए हैं। ओडिशा से मुंबई ले जा रहे थे गांजे की खेप। ओडिशा बॉर्डर पर तलाशी के दौरान पकड़ाए हैं। जब्त गांजे की कीमत 2.5 लाख रुपए है। दोनों आरोपी मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। नगरनार पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
बलरामपुर से बड़ी खबर है। रामपुर के जंगल में हाथियों ने डेरा डाला है। हाथियों की मौजूदगी में ग्रामीण जो है दहशत में आ चुके हैं। वन विभाग ने लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की है। मुनादी कराकर वन अमला लोगों को सतर्क भी कर रहा है। रामानुजगंज वन पर क्षेत्र के जंगल में हाथियों की मौजूदगी नजर आ रही है। भोपाल से बड़ी खबर है। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया के लिए अलर्ट जारी किया है। मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना के लिए अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, ओरछा, आगर, राजगढ़, सागर में बारिश होगी। प्रदेश के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम बघेल ने दलाई लामा को दिया है निमंत्रण। बौद्ध धर्म गुरु को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है। सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की सीएम की मंशा है। सिरपुर में 6-9 सितंबर को वर्ल्ड बुद्धिस्ट मीटिंग होगी। सतीश जग्गी ने दलाई मामा को सीएम की ओर से न्योता दिया है। भोपाल से बड़ी खबर है। 2 दिवसीय C20 समिट का समापन आज होगा। समिट में सेवा ही सर्वोच्च धर्म है विषय पर मंथन होगा। समापन सत्र में सीएम शिवराज शामिल होंगे। C20 में सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले सम्मानित होंगे। सुबह 12:15 बजे शामिल होंगे सीएम शिवराज। सीएम प्रदेश की उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुंगेली में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी में सांप और दूसरे जहरीले जीव बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ही एक तस्वीर सामने आई जब एक घर में 6 फीट का अजगर घुस गया, जिसको देखकर घर में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बाद में एक युवक ने अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित नदी किनारे छोड़ दिया। जगदलपुर शहर के 2 अलग अलग इलाके से रेस्क्यू टीम ने कोबरा सांप को पकड़ा है। धर्मपुरा बॉयज हॉस्टल में नाग सांप निकलने से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरा कोबरा सांप साकेत कॉलोनी में निकला। दोनों जगहों में रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सांप को पकड़ा। दोनों सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया गया। बरसता के मौसम में रोजाना ही सांप निकल रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू की टीम सांपों को रोजाना रेस्क्यू भी कर रही है। उज्जैन से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक युवक स्ट्रीट डॉग को नदी में फेंकता हुआ दिखाई दिया। वीडियो के आधार पर पीपल फॉर एनिमल इंदौर नाम की संस्था ने उज्जैन पहुंचकर नीलगंगा थाने में युवक पर मामला दर्ज करवाया। इधर युवक को जैसे ही FIR दर्ज होने का पता चला, उसने सोशल मीडिया से अपना वीडियो हटा दिया और फिर युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर माफी मांगकर सफाई भी दी। जो एक्चुअली मैंने ये कुत्ते पालतू है और आप जो भैया को ठेस पहुंची है उसमें माफी मांगता हूँ। ये कुत्ती पालतू है, ये मेरे कुत्ते पालतू है और ताज तालाब रहती है हमारे। ये टीकमगढ़ में 2 सांड बीच सड़क पर भिड़ गए। इन लोगों ने कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया, साथ ही इनकी फाइट की वजह से सड़क पर जाम लग गया। काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक बाधित रहा। आवारा जानवरों की वजह से लोगों को कई बार परेशानियां होती हैं, लेकिन नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रहा।
मुरैना में केलारस सब्जी मंडी में नगरपालिका ने 70 से 80 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया। दरअसल यहां पर कुछ दुकानदार अवैध रूप से सब्जी की दुकान लगा रहे थे, जबकि इनको कृषि उपज मंडी में जगह दी गई थी। यहां पर पक्की सब्जी मंडी बन रही है, इसलिए नगरपालिका ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को हटाया। इस दौरान कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर मनमानी करने और बिना नोटिस देने के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने जमकर हंगामा भी किया और नारेबाजी की। सर हमें बगैर नोटिस के दुकान तोड़ी गई है सर, ना तो हमें कोई सूचना दी गई कि भाई हम आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। आज मंडी बंद थी, 1 तारीख को हमारी मंडी बंद रहती, हमारा जो रूल है वो सर, हम गए थे सर बाहर गिर रहा, और इन्होंने बगैर नोटिस के बगैर जानकारी के, कोई मंडी में नहीं था, मंडी बंद के उपरांत इन्होंने लाके बल शासन ने बलपूर्वक दुकानों को तोड़ा है। लगभग 4 बार उनके साथ बैठक की जा चुकी है, व्यक्तिगत रूप से उनको बुला के बैठक की और उनको समझाइश दी, उनको अनाज मंडी में सेक्रेटरी साहब से भी मैंने बात कर दी और सेक्रेटरी साहब ने जगह भी दी, हम लोगों ने प्लॉट को काट दिए, अस्थाई उनको अस्थाई रूप से जगह दे रहे थे, उनको पानी नल सफाई लाइट की सारी सुविधाएँ दे रहे थे, प्लॉट काट दी, इसके बाद भी लोग हमें सही आए। बिंदास जिंदगी जीने के लिए कुछ छात्र लुटेरे बन गए जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया। हालांकि अब भी एक आरोपी फरार है। मामला मंदसौर का है, जहां मंदसौर यूनिवर्सिटी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के छात्रों ने शाहिद कपूर के वेब सीरीज से प्रेरित होकर एक मंडी व्यापारी से 20 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया, छीनने का प्रयास किया। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी पंकज सिंह और सौरभ शुक्ला मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। दोनों के पिता के पास थोड़ी बहुत जमीन भी है, इन्हें घर से पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत खर्चा मिलता है। इनके शौक रईसी के थे। और अब बात करेंगे भिंड की, जहां पर खून के रिश्ते तार तार करने वाली घटना सामने आई। मामला भिंड के सुरपुरा थाना इलाके के आकोन का है, जहां 2.5 बीघा जमीन जोतने के विवाद में नाती ने अपने ही बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मृतक का अपना बेटा भी शामिल है। बताया गया कि आकोन के एक परिवार के 2 पक्षों में 40 साल पुराने जमीनी विवाद में पहले कहासुनी हुई, फिर पत्थरबाजी और फिर अवैध हथियार से नाती ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही 62 वर्षीय बाबा को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आपको बता दें कि 40 साल पुराने इस विवाद की अटेर कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। हमारी जमीन डायरिया निकलती है मेरी खेत में, तो आज कम से कम 40 साल पुराना चल रहा है, वही उनके कब्जा करें वही होता रहे। फिर हमने सरकारी बंटवारा करवाया, सीमांकन करवाने के लिए कल फाइल जमा करके आए, तो घर वहाँ पे गए खेत देखने के लिए, तब तक उन्होंने वहाँ पे पत्थर वत्थर मारे तो फिर उन्होंने हम लोगों ने भी पत्थर फेंके, लेकिन उन्होंने गोली मार दी सामने। इनका जमीनी विवाद था, इनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, इसी रंजिश के कारण इनका मुवाद अटेर जाने के बाद, और फिर इनने दरवाजे पे से गोली चलाई, जिससे कोरबा से बड़ी खबर है। रफ्तार के कहर ने ली है जान 3 लोगों की, हाइवा और कार की आमने सामने टक्कर हुई। भवानी मंदिर के पास की घटना है, मवेशियों को बचाने में दुर्घटना हो गई। CSEB पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। तौर पर जिस तरीके से रफ्तार का कहर कोरबा जिले में जारी है और हर दूसरे दिन इस तरीके की घटना सामने आ रही है, और ये जो मामला बीती रात देर रात का है, जब हाईवे और कार की जो है भिड़ंत आमने सामने से हो गई और इसमें मवेशी को बचाने के चक्कर में ये दुर्घटना हुई बताया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और ये सभी व्यापारी वर्ग से बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल।
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है। एसटीआर में बाघ के शिकार के बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को रेड अलर्ट नोटिस जारी किया गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए निगरानी और सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का सरकटा शव मिला था, जिसके बाद वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिकार मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। मिली ऐसे नहीं कि केवल उसी रेंज से हैं, वो कारण नहीं है। बट हाँ, हम सतपुड़ा हमेशा हमारा पेट्रोलिंग बहुत अच्छी रही है, हम करते भी हैं, तो उसके बावजूद ये घटना हुई है, तो हमारे लिए अभी चिंता का विषय है, हम इसको सघन समीक्षा करेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमत महायज्ञ के साथ 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा और मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ। बागेश्वर धाम में इस साल विशाल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त पहुंचकर महाराज से गुरु दीक्षा ग्रहण करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने शिष्यों और भक्तों को संबोधित करते हुए गुरु दीक्षा के नियम भी बताए। शिरडी में आज से 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। उत्सव की शुरुआत शिरडी के साईं बाबा मंदिर में काकड़ आरती के साथ हुई। उसके बाद साईं समाधि मंदिर से गुरु स्थान होते हुए द्वारका माई तक साईं की फोटो, पोथी और वीणा की सवारी निकाली गई। इस दौरान भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बता दें कि साईं बाबा की पहली बार उनके भक्त नुलकर ने गुरु मानकर पूजा की थी, जिसके बाद से ये उत्सव को मनाया जाने लगा। शिरडी का साईं बाबा गुरु पूर्णिमा उत्सव यानी 126 साल की परंपरा साईं बाबा की आज्ञा से शुरू हुए इस गुरु पूर्णिमा उत्सव की आज काकड़ आरती से शुरुआत की गई। साईं बाबा की काकड़ आरती होने के बाद यहां पर साईं बाबा की फोटो, पोथी और वीणा की सवार भी यहां पर जुलूस निकाला जाता है, और गुरुस्थान होते हुए ये जो जुलूस है ये द्वारका में चला गया। वहां पर साईं सच्चरित्र पारायण का अखंडित पारायण यहां पर शुरू हुआ है। गुरु पूर्णिमा उत्सव में भक्त जो है साईं को गुरु मानते हैं, और साईं को गुरु दक्षिणा देने के लिए, साईं का गुरु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिरडी में आते हैं। तो इसी वजह से साईं बाबा गुरु पूर्णिमा उत्सव का बहुत ही बड़ा महत्व है। इसी कारण साईं बाबा का समाधि मंदिर जो है फूलों से सजाया गया। सुनील दबंगे, न्यूज 18 शिरडी। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में बफर के खटिया जोन से एक बाघिन और शावक का रोमांचित कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में एक बाघिन और शावक देखे जा सकते हैं, जिसमें नाले में पानी पी रही बाघिन पर अचानक शावक हमला कर देता है। अचानक हमले को देख कुछ देर के लिए बाघिन चौंक जाती है, पर कुछ देर बाद दोनों ही सामान्य हो जाते हैं। बाघिन और शावकों के इस रोमांचकारी वीडियो को पर्यटकों ने अपने कैमरा में कैद किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। जशपुर से बड़ी खबर है। पटुकेला और खरवा टोली में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने 3 घरों को तोड़ा है। घर में रखा अनाज को भी चट कर गए। घर में मौजूद सदस्य जान बचाकर भागे हैं। वन अमला मौके पर पहुंचा है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।